ईरान को रोकना नामुमकिन है, ऐसा दुनिया के अलग अलग देश अब कह रहे हैं। जिस तरीके से ईरान और इसराइल में तनाव बढ़ रहा है, 24 से 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। ईरान और इसराइल के बीच में तनाव बढ़ा है और पिछले कुछ घंटों में यह तनाव तेजी से बढ़ा है, इसी को लेकर एक अपडेट भी मिल रहा है। ईरान के इसराइल को बर्बाद करने वाली जो रणनीति है वो अब तेजी यहां पर पकड़ रही है। ईरान जो कि प्रॉक्सी देशों के साथ मिलकर इसराइल की तरफ धावा बोलने की तैयारी कर रहा है। ईरान इसराइल तनाव को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट है। ईरान की इसराइल को बर्बाद करने वाली धमकी सामने आई है। ईरानी चीफ कमांडर हुसैन सलामी की बड़ी धमकी यहां सामने आई है। सिनवार के नेतृत्व में इसराइल का वजूद खत्म होगा। पहले नेतन्याहू की हत्या की बात, अब इसराइल के वजूद को खत्म करने की बात। यावा सिनवार को ईरान का पूरा संरक्षण है, ये साफ कर दिया गया है हुसैन की तरफ से, और साथ ही साथ यावा सिनवार इसराइल को तहस नहस भी कर देगा, ये धमकी भी दे दी गई है। ईरान अब आखिरी फैसला कर चुका है, इस आखिरी फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमास चीफ हानिया की मौत से ये मानिए कि बौखला गया है अब ईरान, और ईरान के बौखलाने के बाद इसराइल की चिंताएं जरूर बढ़ रही हैं, क्योंकि ईरान अकेला नहीं, अलग अलग कंट्रीज का साथ मिल रहा है, अलग अलग संगठन जो कि ईरान का साथ देते हुए इस स्थिति में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहा यह जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा डिसाइसिव इन दोनों देशों के बीच में होने वाले हैं। ईरानी किस तरीके से एन सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसराइल भी उधर पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। इधर ईरान ने धमकी दे दी है, इसराइल का वजूद ही खत्म कर दिया जाएगा। न्यूक्लियर साइट पर किस तरीके के इंतजाम हैं आप जानिए। यहाँ पर इस्फहान, नतांज, पोर्दो, अरक और बुशहर, इन सभी सेंटर्स पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज़्यादा कड़ी है। साथ ही साथ एटमी रिसर्च जो सेंटर है वहां पर भी निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसमें तेहरान है, रमसार है और बोनाब है। यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा आपको नजर आएगी, क्योंकि ईरान धमकी दे चुका है, इसराइल वहां पलटवार की तैयारी कर रहा है। और कई बार तो ये होता है, ईरान सिर्फ धमकी देता है, उधर से इसराइल यहाँ पलटवार कर भी देता है, यानी कि वो पहले हमला कर भी देता है। अब इन सब के बीच में मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव से दुनिया के अलग अलग देश चिंता में आ गए हैं। ईरान ने इसराइल को तबाह करने की धमकी दे दी है। इसराइली परमाणु ठिकाने को उड़ाने की घोषणा ईरान कर चुका है। इसराइल के तीन ठिकानों को नष्ट करने की बात ईरान की तरफ से सामने आ रही है। तीन टारगेट की तस्वीर जारी कर दी गई, और तस्वीर जारी करने के बाद ईरान ने सीधे तौर पर धमकी भी दी है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव पिछले इतने दिनों में बढ़ा है वो आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसराइली परमाणु ठिकाने को उड़ाने की घोषणा ईरान कर चुका है। तीन ऐसे ठिकाने जिन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, इसराइल के तीन ठिकाने होंगे, और तीन टारगेट की तस्वीर शेयर कर ईरान ने ये धमकी दी है। ईरान का सुरक्षा चक्र कैसे मजबूत हो रहा है ये भी आप जानिए। बॉर्डर पर सील किया गया है, यहाँ पर बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, बॉर्डर को पूरी तरह से सील से सिक्योर किया गया, रडार की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी सिचुएशन में ईरान खुद को डिफेंड कर सके। एन सेंटर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, और ईरान की ये सभी तैयारियां देखी जा रही हैं खुद को डिफेंड करने के लिए भी और इसराइल पर पलटवार करने के लिए भी, क्योंकि ईरान ये कह चुका है कि इस बार ऐसा हमला होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इन सब के साथ ही नसरल्ला के बयान से भी इसराइल में खलबली बढ़ गई है। इसी खलबली के बीच में अब क्या होगा ईरान का अगला कदम, और कैसे इसराइल खुद को बचाएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरीके से ईरान ने इसराइल को घेरने की कोशिश कर ली है। और इसी घेरने के बीच में इसराइल को लेकर जानकारी ऐसी कि जो युद्ध की स्थिति में ज़रूरत होती है उन सभी ज़रूरतों का इंतज़ाम अभी से इसराइल ने कर लिया है, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी हुई चीज़ें, बंकर्स की व्यवस्था और अंडरग्राउंड अंडर वाटर, ऐसे कई इंतज़ाम हैं जो इसराइल की तरफ से हो रहे हैं। इन सिचुएशन पर अब हम बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड जे एस सोढ़ी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, और अब साथ ही साथ मेरे साथ में यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए हैं। और सभी से जानना ज़रूरी है कि अभी के इन हालात में कैसे इस सिचुएशन को बेहतर किया जा सके, या फिर अगर इस सिचुएशन को बेहतर करने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं तो क्या कुछ सोल्यूशन इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान ये कह चुका है कि अब तक जैसा हमला कभी नहीं हुआ था वैसा हमला होगा। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ।
जो हालात अभी ईरान की तरफ से सामने आ रहे हैं, ईरान कह रहा है चौतरफा घेरेंगे, इसराइल का वजूद खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे और नेतन्याहू की हत्या से कम तो कुछ भी मंजूर नहीं है। साथ ही साथ जो अलग अलग तैयारी है, जो अभी अपडेट हमने दिया, वो ईरान की तरफ से हो गया है। क्या इसराइल चुप बैठा होगा ये सब देखकर? जो खबरें ईरान से आ रही हैं उससे लगता है कि ईरान कम से कम बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो इसराइल पर भयंकर हमला करेगा। लेकिन रत्ना जी, ये देखना पड़ेगा क्या ईरान वाकई इसराइल पर किसी भी तरह से हमला कर सकता है। मिलिट्री असेसमेंट करना पड़ता है। जो ईरान बात कर रहा है उसमें इमोशंस, इमोशनल कंटेंट यानी भावनाओं का स्थान सबसे ज्यादा है। भावनाओं की मिलिट्री ऑपरेशंस में कोई कदर नहीं होती है, कोई जगह नहीं है। इसी तरह से ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, डिप्लोमेटिकली आ रही हैं कि वो बदला लेंगे। तो ऐसी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या बदला लेने वाली बातों का भी मिलिट्री आंकलन में कोई स्थान नहीं होता है। देखना ये पड़ता है कि जमीनी सिचुएशन क्या है। जमीनी सिचुएशन ये है कि ईरान आज की तारीख में किसी भी तरह का हमला, चाहे जमीन से जमीन पर, चाहे अपनी नेवी से, चाहे अपनी एयरफोर्स से, चाहे अपने लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल जो है उनके पास, उससे किसी भी तरह का हमला करने की हालत में नहीं है। हाँ, ईरान एक चीज कर सकता है जो अब तक वो करता रहा है 8 अक्टूबर के बाद से, कि वो हुती को बोलेगा, हिजबुल्ला को बोलेगा कि और भयंकर हमला करो इसराइल पर। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ये समझना पड़ेगा कि ईरान अगर एक दो रॉकेट इसराइल पर गिरा भी देता है, अप्रैल में उन्होंने 300 रॉकेट्स मिसाइल्स दागे थे जिसमें से 3 गिर गए इसराइल के ऊपर। मिलिट्री लीडर्स, हम लोग जो थे, हम सब बॉम्ब डैमेज असेसमेंट करते हैं। एक शब्द होता है फौज में कि एक बम गिरने पर क्या नुकसान होता है। तो ईरानी जो मिसाइल हैं उन पर कोई न्यूक्लियर बम तो लगे नहीं हुए, लगे हुए हैं नॉर्मल 250 किलो के या 500 किलो के बम। एक 500 किलो का बम जहां गिरता है, मैं आपको बता दूं डैमेज क्या होता है। अगर वो खेत में गिरे तो एक गड्ढा बन जाता है बहुत बड़ा। अगर वो एक बिल्डिंग पे गिरे तो एक बिल्डिंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होती है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अगर 1, 2 या 3 बॉम्ब्स इसराइल के किसी भी एरिया में गिर जाते हैं, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे भी गिर जाते हैं, उससे इसराइल की जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसराइल के ऊपर जो ईरान ये धमकी महज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ कोरी धमकी है और इसराइल को कम आंकने की बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत नहीं है मेजर शाह। लेकिन ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बाकी देशों का साथ भी है। हालांकि सच ये भी है कि इसराइल भी अंदर खाने अपने इंतजाम कर रहा है। एक कहावत हमने सुनी है, थोता चना बाजे घना, या फिर दूसरी एक कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। क्या ईरान के लिए ये कहावत सटीक है क्या अभी? बिल्कुल रचना जी, ये ईरान के लिए ये कहावत एक तरीके से सटीक है, क्योंकि ईरान ने काफी कुछ बोला है, काफी कुछ बयानबाजी करी है और काफी इमोशनल तरीके से हम बदल लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे जिसको करना होता है वो ऐलान नहीं करेगा, वो जाके कांड कर जाएगा। या किसी ने ऐलान किया था कि वो जनरल कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन करने वाले हैं? नहीं, वो तो इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे, अमेरिका ने ड्रोन से उसे उड़ाया, किसी को उम्मीद नहीं थी क्या? तो क्या किसी ने जो बोलते, आपने जो बोला कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं बरसते नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ईरान ने काफी बयाबाजी करी है और इसमें लोगों को लगने लगे, इतना कन्विंसिंग था कि लगा कि हाँ सच में ईरान अभी बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन ईरान का जो अटैक है वो इसराइल ने शील्ड किया। तो इस तरीके से तो फिर मैं कैप्टन देवनाथ साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, ये इमोशंस की वॉरफेयर में थोड़ी जगह नहीं है। बिल्कुल कोई वॉर टैक्टिक्स में या वॉर प्लानिंग में आप जज्बाती हो जाओ और आप ये बोलो कि अब मैं बदला लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मैं ये करके रख दूंगा, कुछ नहीं। आपको एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो आपको करना है करके दिखाइए ना। हाँ। आप करके दिखाइए,
और सच तो ये भी है कि जो चीजें अब तक की गई हैं, यानी कि जो कार्रवाई अब तक की गई है, 50 रॉकेट दाग दिए, 70 दाग दिए, 100, 200, लेकिन इसराइल ने खुद को न सिर्फ डिफेंड किया बल्कि उन सभी रॉकेट मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट भी किया है, ये भी हमने देखा है। साथ ही साथ नसरुल्लाह के बयान से इसराइल में खलबली भी है, ऐसी भी खबरें हैं। हसन नसरुल्लाह की इसराइल को सीधे तौर पर धमकी सामने आई है, इसराइल पर हमले से कोई रोक नहीं सकता, ईरान हुती हमास के साथ मिलकर ये हमला किया जाएगा, इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्री आधे घंटे में तबाह करेंगे, ये भी सीधे तौर पर चेतावनी, हानिया की मौत का इंतकाम जल्द ही लिया जाएगा, ये नसरुल्लाह की तरफ से कह दिया गया है। बड़ी बात यह भी कि हमास चीफ की मौत से बौखलाया हुआ है ईरान और साफ तौर पर कह दिया है कि अब इस हमले से कोई रोक नहीं सकता। हिजबुल्ला के निशाने पर अब कैसे इसराइल सामने आ गया है और इसराइल का कैसे नुकसान हो सकता है और क्या कुछ ईरान की स्ट्रेटजी है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। हिजबुल्ला के निशाने पर कैसे अब इसराइल सीधे तौर पर है, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि पीएम है इसराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की बात ईरान की तरफ से कही गई है और ये कहा है कि हत्या से कम अब तो कुछ भी मंजूर नहीं है। साथ ही साथ इसराइल के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, उनकी भी एक अलग भूमिका है और हिजबुल्ला इन पर भी हमला कर सकता है, निशाने पर रख सकता है। साथ ही साथ यल गाट्स हैं जो कि विदेश मंत्री हैं इसराइल के, जिन पर हिजबुल्ला नजर रखे हुए है। साथ ही साथ हर्जी हलेवी जो कि IDF चीफ है, जो कि पिछले ही दिनों IDF हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया था, वो भी नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इसराइल कहता रहा कि नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही साथ अपडेट एक और ये भी, IRGC की न्यूज एजेंसी FAR स्पॉट्स का दावा है कि पोस्टर जारी करके हमले का ऐलान भी कर दिया है, बंकर जाएंगे बेंजामिन और उनका परिवार, यानी कि जो हमले का खतरा है वो बना हुआ है और ऐसे में जो हमने इससे पहले भी कहा था कि बंकर्स बना दिए गए हैं, मेडिकल इमरजेंसी के इंतजाम किए गए हैं, यरूशलम के अंडरग्राउंड बंकर में जाएंगे यहाँ पर नेतन्याहू और उनका परिवार। जय सोढ़ी सर, जो हालात अभी बने हुए हैं यहाँ पर, अगर नेतन्याहू और उनका परिवार बंकर में जाने की प्लानिंग कर रहा है, इसका मतलब इसराइल जितना मजबूत खुद को दिखा रहा है या फिर जितना बेफिक्र दिखा रहा है उतना बेफिक्र है नहीं, अंदरखाने इंतजाम तो चल रहे हैं। जयेंद्र रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। इसी साल 13 अप्रैल मध्य रात्रि को जब ईरान ने 300 रॉकेट दागे थे इसराइल को, तो ईरान ने पहले ही अमेरिका को सूचित कर दिया था कि वो इस बारी रॉकेट इसराइल के रेगिस्तान में डालेगा, लेकिन अगली बार अगर उसने वार किया तो वो घातक वार होगा। 3 दिन पहले 6 अगस्त को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सारे विदेश मंत्री जेडा सऊदी अरेबिया में मिले, जहां पे ये तय हुआ कि इस बारी इसराइल को एक कड़ा सबक और सीख सिखाना है। 2 अगस्त को इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान दिया कि अब इसराइल पे जो हमला होगा वो 7 तरफों से होगा या 7 फ्रंट वॉर होगी। रचना जी, कुछ दशक पहले जितने ये अरब देश थे ईरान को मिला के, वो आर्थिक और सैनिक तरीके से कमजोर थे, लेकिन अब वो सैनिक और आर्थिक तरीके से मजबूत हो रखे हैं और इसराइल ने जो कुछ दशक पहले रक्षा सुधार किए उसकी वजह से आज इसराइल की सेना की वो शक्ति नहीं है जो कुछ दशक पहले थी, जब वो कई अरब देशों को इकट्ठे हरा पाई। आज इसराइल भी जानता है उसमें वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है, अन्यथा 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और वो एक छोटी सी गाजा पट्टी पे विजय नहीं पाई है उनकी इजरायली सेना। यानी कि इसराइल जितना ताकतवर खुद को बता रहा है उतना है नहीं, और इसीलिए अंदर खाने खबर ये कि बंकर में नेतन्याहू और उनका परिवार जाएगा, साथ ही साथ जो युद्ध से निपटने के हालात हैं या इंतजाम है वो अभी से इसराइल जुटाने लगा है, यानी इस बार जो निशाना होगा वो चूकेगा नहीं ईरान का, ये इसराइल भी जान रहा है, समझ रहा है, क्योंकि अलग अलग फ्रंट पर घेर रहा है ईरान। यूके देवनाथ सर, जे सोढ़ी सर, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। ईरान, इसराइल और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अगले 1 से 2 दिन में ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हुए हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के कत्ल से गुस्साए ईरान ने इसराइल को सबक सिखाने की धमकी अब दे दी है। खतरनाक इरादा, नेतन्याहू को मारना होगा, हमास का जोश सिनवार, खामनेई का आखिरी प्लान। हानिया के बाद सिनवार, यूएस इजराइल भी परेशान। इजरायली संसद, मोसाद हेडक्वार्टर हिजबुल्ला के निशाने पर हैं।
ईरान इसराइल मिडिल ईस्ट के लिए अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम हो सकते हैं, क्योंकि हानिया के कत्ल के बाद ईरान बदला लेने की आग में जल रहा है और अगले एक या दो दिनों में ईरान हमला कर सकता है। राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हुए हमले में हमास मुखिया के कत्ल से गुस्साए ईरान ने इसराइल को सबक सिखाने की ठान ली है और अब यह माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त जंग का मोर्चा खोल सकता है। एक तरफ अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस ने अपने सूत्रों के हवाले से हमले की आशंका जताते हुए इसके 24 से 48 घंटे में शुरू होने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी G7 देशों को इस संभावित हमले को लेकर आगाह किया है। हालांकि ब्लिंकन ने हमले की टाइमिंग को लेकर उनके पास कोई सटीक जानकारी होने की बात से इनकार किया है। ईरान की ओर से हमले की आशंका को देखते हुए इसराइल ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसराइल में महायुद्ध का अलर्ट, 25 शहरों में सर्च एंड रेस्क्यू बटालियन की तैनाती, तेल अवीव में IDF की रैम बटालियन तैनात, याद एलियाहू स्टेडियम में मौजूद एम्बुलेंस रेस्क्यू टीम, ब्लड स्टॉक तैयार कर रहा है इसराइल, खून पहुंचाने के लिए बाइक फ्लीट तैयार है, इमरजेंसी सेवाओं को परखा जा रहा है, अस्पतालों को बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ब्लैकआउट ड्रिल्स कर रहा है इसराइल, तेल अवीव यरूशलम में अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार, यरूशलम में नेतन्याहू कैबिनेट के लिए स्पेशल बंकर। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान या हिजबुल्ला में से किसी ने भी उन्हें छेड़ने की गलती की तो वो चुप नहीं बैठेंगे। तो वहीं ईरान ने इसराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हानिया का बदला तभी पूरा होगा जब नेतन्याहू की हत्या होगी और इजरायली शासन के सिर को कुचलने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल ईरान ने इजरायल के 8 ठिकानों पर टारगेट करने का प्लान तैयार कर लिया है, जैसे इजरायली संसद, नेतन्याहू का ऑफिस, मोसाद हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस बेस, एयरफोर्स बेस, पावर प्लांट, सी पोर्ट और एयरपोर्ट्स। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वाकई ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया तो क्या होगा? इसराइल की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी? क्या इस हमले के बाद दोनों देशों के मित्र देश और संगठन भी इस जंग में कूद पड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और उधर हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल का हमला